अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे पास चंद किसानों पर मुश्तमल एक वक्त आया और उसने कहा कि हम किसानों को किसान तरमीमी कानून जो अभी बीजेपी हुकूमत ने पास किया उसके दलों से मामला बताएंगे। तो नाज़रीन, ज्ञानी और मोहम्मद क्या है? हमारे मुल्क में जिस वक्त अंग्रेजों का दौर था और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से अंग्रेजों की कंपनी हमारे मुल्क में आई, उस वक्त से ये कानून मौजूद था। लेकिन उस वक्त इस कानून को आज के कानून की इसकी कानूनी हैसियत नहीं थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हमारे किसानों को पैसे देते थे और उनका माल कौड़ी मोल खरीद लेते थे। पूरी मेहनत हमारे किसान करते थे और वो लोग जो है तो गुलाम बना के हमारे किसानों को तकलीफ देते थे। फिर गोरे अंग्रेज नहीं बल्कि हमारे मुल्क में मौजूद हिंदुस्तान की आजादी के पहले के जो सौकार थे, वो सौकार भी हमारे किसानों को फसल बोने से पहले जिस वक्त खाद डाली जाती है खेत में, उस वक्त खाद के लिए पैसा देते थे, उसके बाद बीज के लिए पैसा देते थे, उसके बाद निंदने के उड़पने के लिए पैसा देते थे, ये तमाम कामों के लिए पैसा देते थे, पैसा जोड़ के रखते थे और उस पैसे के बदले में जो मार्केट का रेट है अनाज का उससे चारा भी बदले खरीदते थे। आज ये मोदी हुकूमत जो है तो उसी दौर में जाना चाह रही है। उनका मकसद ये है कि जो अंग्रेजों के जमाने में आजादी के पहले उन्होंने एक मनुवाद यहाँ पर पैदा किए थे, मनुस्मृति की हुकूमत चलाते थे वो जो है, तो उस वक्त इंडिया की घटना नहीं थी और घटना नहीं होने की वजह से जो है वो मनुस्मृति के जरिए से कामकाज करते थे। उसमें तीन उन्होंने जो है तो वर्ण बनाए थे, तबके बनाए थे, शुद्ध वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण, चार चार जो है तबके बनाए थे और ये चारों तत्वों के हिसाब से वो काम करते थे। आज भी वो मनुस्मृति लाना चाहते हैं, आज भी वो हिंदुस्तान के ब्राह्मण के अलावा बाकी जितने लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं और उसी का जो कमी है वो आज उन्होंने जो है तो तालीम इदारे बंद कर दिए। आज उन्होंने जो है तो उनके पास छह साल में कोई नया स्कूल खोले नहीं, जो स्कूल बंद कर दिए। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कोर्सेज है वो कोर्सेज भी जो है उन्होंने नए में खुले नहीं बल्कि जो कोर्सेज है वो बंद कर दिए। इसका मतलब ये है कि वो मनुवाद के धर्म जा रहे हैं। अब उसी की एक कड़ी ये किसान बिल है। किसान बिल के अंदर क्या होने वाला है आप बताता हूँ। किसान बिल के अंदर जो है तो बड़े बड़े लोग सरमाएदार है, वो सरमाएदार हमारे किसानों को पैसा देंगे और उनका माल कौड़ी मोल लेंगे। जब माल को जो है बाजार में उनको अभी आज मार्केट कमेटी है, आज कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, आज विकास सोसाइटी है, इन सोसाइटियों के जरिए से हमारे मुल्क की आजादी के बाद जो हुकूमत की उन्होंने कॉपरेटिव को तरजीह दी, उन्होंने इमदाद आर्मी को तरजीह दी और उसके जरिए से लोगों को कर्जा मुहैया कराया। कॉपरेटिव बैंक के जरिए से, कॉपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के जरिए से, विकास सोसाइटी के जरिए से और वो सरकारों का दरवाजा बंद कराया। अब ये जो हुकूमत आई दोस्तों, और बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने हुकूमत के जितने इदारे हैं वो तो बेच दिए, उसके बाद ये कॉपरेटिव इदारा गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारे किसानों का है। ये इदारे को भी बंद करके और फिर जो है सरकार का दरवाजा हमारे लिए खुला कर रहे हैं और सरकार के पास में जाके उससे कर्जा लेना, उससे पैसा लेना और उसके बदले में हमारे घर में पका हुआ अनाज उनको कौड़ी मोल देना, ये उनके पीछे का मकसद है और दूसरा कुछ भी नहीं है।
ये मार्केट कमेटी को बंद कर देंगे जो प्रॉफिट सेंस चलती, ये जो है तो मंडी को बंद कर देंगे जो प्रॉफिट सेंस चलती, लेकिन ये जो है तो सरकारों को मैदान मिलाएंगे और सरकारों को मैदान मिला के अदानी अंबानी को रेलवे वगैरह तो चलेंगे, लेकिन अब जो हमारी खेती भी जाएंगी, हमारी खेती में नौकर की हैसियत से हम काम करेंगे और वो मालिक की हैसियत से हमारा माल बेचेंगे, माल बेचेगा हमको देने का, माल बेचेगा हमको देगा। अब इसके अलावा इस कानून के अंदर दूसरे नुकसान जो है वो बता रहा हूँ मैं आपको कि इस कानून के अंदर ये भी है कि तुम्हारे अनाज की कीमत कौन तय करेगा, तो उसकी एक कमेटी रहेगी, वो कमेटी में सरमादार और वो उसकी कीमत कम से कम तय करेंगे, वो जो कम तय करेंगे उसकी कीमत के ऊपर कोई कीमत नहीं रहेगा, जबकि नशा की तौर पर आज उन्होंने कीमत तय करी है 14 रुपये घी की कीमत, 1 किलो की घी की 14 रुपये और मार्केट कीमत 40 रुपये, ऐसी सूरत में 14 रुपये में हमसे लेंगे और 40 रुपये में वो बेचेंगे, ये पैसा करके कि हम हमारे से 40 के बजे में 30 में बेचते हैं और बाकी हमारे अड़बदार वाले हो जाते हैं या मार्केट कमेटी को जाते हैं तो हमारे को नुकसान नहीं, लेकिन उस टाइम में हमको वन टन भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए जो है किसान जो होता है रस्ते पे किसान इस बात को समझ चुका है, जब तुम किसान के हक में कानून पास करे तो तुम्हारे को चाहिए कि तुम उसको जो है किसान से मशवरा करो, किसान की कमेटी बनाओ, उनसे पूछो कि मेरी कानून ऐसा सा है हम इसको ला रहे, तुमने तो अर्जेंट ला के उसको अर्जेंट पास कर दिए और अब उसका कानून बना रहे, ये जो है बिल्कुल सरासर गलत है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं है, इसलिए सिर्फ किसान का नुकसान नहीं है बल्कि एक मामूली मजदूरी करने वाले इंसान को भी इससे नुकसान पहुंचने वाला है, ये बात लोग समझ रहे नहीं, लोग बोलते हैं कि किसान का मुद्दा है किसान देखेंगे माल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये माल जो हमको आज किसान के जरिए से कम कीमत में मिल रहा है ये माल हमको ज्यादा कीमत में मिलेगा और अगर इसकी कीमत कम ज्यादा करनी की है तो वो वही करेगी, उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनेगा और वो ट्रिब्यूनल के अंदर जो केस चलेगा तो वो केस चलाने के लिए भी जो है तो जो कानून बने हुए वो पूरे पूरे कानून उनके हक में है, समाचारों के हक में है, इसलिए जो है तो किसान महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, आपको 1 लीटर दूध अभी आए जो है तो 30 रुपए का 35 रुपए का या 70 रुपए तक मिल जाएगा, 75 तक मिल जाएगा, लेकिन ये 75 रुपए लीटर का जो दूध है ये दूध जब तुमको 150 रुपए लीटर मिलेगा तो तुम क्या करेंगे, ये तो गरीब के लिए भी वही है किसान के लिए भी वही है, अगर से कभी आज तुमको 30 रुपए किलो घी मिल रहे शासन के गवर्नमेंट के दुकान पे जो है तो 14 रुपए किलो भी मिल रहे हैं, ऐसी सूरत में ये जो अगर कहीं हमको जब 60 और 70 रुपए किलो मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, ये नुकसान हमारा आएगा नहीं, इसलिए आज किसानों के जो एहतजाज है उसको हिंदुस्तान के हर फर्द में हर शख्स में मदद करना चाहिए, साथ देना चाहिए, सबकी ये जिम्मेदारी है, इसका कहते हुए मैं अपने आज के दोनों अल्फाज खत्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।